हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपेक्षित रह गए नारी पात्रों को लेकर रचना करने के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर है सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, अष्टयाम सेवा में याम से तात्पर्य है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रहर। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने पुराने उपानों को त्यागने की आवश्यकता को किस कविता में रेखांकित किया है। सही उत्तर है बी, कलगी बाजरे की। अगला प्रश्न, प्रसाद की खरी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। सही उत्तर है डी, कानन कुसुम। अगला प्रश्न, अपने अपने अजनबी किस प्रकार का उपन्यास है। सही उत्तर है ए, अस्तित्ववादी। अगला प्रश्न, रोला बर्थ किस विचारधारा से संबंध है। सही उत्तर है ए, संरचनावाद। अगला प्रश्न, नाट्य समीक्षा की प्रसिद्ध पत्रिका नटरंग का संपादन किसने किया। सही उत्तर है बी, नेमी चंद्र जैन ने। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी वर्ष 2021 का हिंदी का साहित्य सम्मान किसे दिया गया। सही उत्तर है सी, दया प्रकाश सिन्हा। अगला प्रश्न, नैया बीच नदियाँ डूबत जाए क्या है। सही उत्तर है ए, उलटबासी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। सही उत्तर है सी, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन किसका है। सही उत्तर है सी, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, अर्धकथानक किस विधा की रचना है। सही उत्तर है आत्मकथा। अगला प्रश्न, सौंदर्य बोध मूलतः बुद्धि का व्यापार है किसका कथन है। सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, उपन्यास और लोक जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। सही उत्तर है ए, रैल्फ फॉक्स। अगला प्रश्न, नकेनवाद के कवियों में इनमें से कौन नहीं था। सही उत्तर है डी, नेमी चंद्र जैन। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को जिन ग्रंथों के आधार पर चिन्हित किया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उनमें शामिल नहीं है। सही उत्तर है सी, भविष्यत कहा। अगला प्रश्न, केशव को केशव कही न जाई का कहिए काव्य पंक्ति किसकी है। सही उत्तर है डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न, रेत समाधि किसका उपन्यास है। सही उत्तर है सी, गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। सही उत्तर है ए, उसने कहा था। अगला प्रश्न, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही उत्तर है ए, मानवीकरण। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। सही उत्तर है सी, विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न, यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है यह किसका कथन है। सही उत्तर है बी, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न, मूर्धैया के रचनाकार इनमें से कौन हैं। सही उत्तर है सी, तुलसीराम। अगला प्रश्न, इस्तवार दा ला लेत्रेत्वर एंदुई एंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। सही उत्तर है ए, फ्रेंच में। अगला प्रश्न, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किसकी काव्य पंक्ति है। सही उत्तर है डी, जायसी की। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के अंतर्गत चित्र तुरंग न्याय की चर्चा सबसे पहले किसने की थी। सही उत्तर है बी, संकोक ने। अगला प्रश्न, नज़ीर अकबराबादी की रचनाओं का उपयोग किस नाटककार ने किया है। सही उत्तर है ए, हबीब तनवीर ने। अगला प्रश्न, प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावयित्री किस आचार्य ने दिए हैं। सही उत्तर है सी, राजशेखर ने। अगला प्रश्न, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। सही उत्तर है डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, वैयक्तिकता और आत्माभिव्यक्ति किस विधा की अनिवार्य प्रवृत्तियां हैं। सही उत्तर है ए, रेखाचित्र। अगला प्रश्न, नाटक में कितनी कार्यवस्थाएं होती हैं। सही उत्तर है बी, पाँच।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आत्मकथा है? सही उत्तर है ए, अपनी खबर। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने किस कहानी में संयुक्त परिवार का समर्थन किया है? सही उत्तर है सी, परे घर की बेटी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सही है? सही उत्तर है सी, पल्लव बनास जैन। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? सही उत्तर है सी, अवधि। अगला प्रश्न, कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? सही उत्तर है डी, त्रिलोचन। अगला प्रश्न, उपशीर्षक किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है कुमार अंबुज। अगला प्रश्न, लिरिकल बैलेट्स किसकी रचना है? सही उत्तर है वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न, उदात्तता साहित्य के सब गुणों से महान है, यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है, किसका कथन है? सही उत्तर है डी, लोंजाइनस का। अगला प्रश्न, गुंगी रुलाई का कोरस किस विधा की रचना है? सही उत्तर है बी, उपन्यास। अगला प्रश्न, सपनों की व्याख्या किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है सी, सिगमंड फ्राइड की। अगला प्रश्न, तीसरी ताली उपन्यास का केंद्रीय विषय है? सही उत्तर है बी, किन्नर समाज। अगला प्रश्न, पासो कृष्णा सोपति के किस उपन्यास का पात्र है? सही उत्तर है डी, डार से बिछड़ी। अगला प्रश्न, सीधा सच्चा रास्ता किसकी रचना है? सही उत्तर है ए, रांगे राघव। अगला प्रश्न, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अनुभूति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से, यह किसका कथन है? सही उत्तर है डी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न, क्षेमेंद्र ने काव्य की आत्मा किसे माना है? सही उत्तर है ए, औचित्य को। अगला प्रश्न, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति पड़ती गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है सी, असंगति अलंकार। अगला प्रश्न, नए युग में शत्रु इनमें से काव्य किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है डी, मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न, जगदीश चतुर्वेदी का संबंध मुख्य रूप से किस काव्य प्रवृत्ति से था? सही उत्तर है सी, अकविता से।